पिपराइच थाना क्षेत्र के लोसी गांव के बाजार में सोमवार को मनबड़ों ने ब्रह्मा यादव नाम के व्यक्ति की चाकू से गला रेत दिया। आपको बता दें कि लोसी गांव कुशीनगर के बॉर्डर पर है। युवक कुशीनगर के विशुनपुरा गांव का रहने वाला है, जो कि पान खाने लोसी गांव के बाजार में आया था। तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने युवक का बाजार में गला रेत कर फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पिपराइच थाने की पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जिसका इलाज चल रहा है। जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सोमवार को लोसी गांव के बाजार में चाकू मारा गया है, जिसको मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है, जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, सर पिपराई में व्यक्ति चाकू से मार के हत्या की, उस व्यक्ति को चाकू लगा है, अभी वो अस्पताल में है। दो व्यक्तियों को नामित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये काफी पुराना प्रेम प्रसंग का प्रकरण है, जिसमें ये घटना हुई है। सर अभी तक जो जांच हुए हैं उसमें क्या सामने आया? उसमें यही सामने आया है कि ये प्रेम प्रसंग का प्रकरण था। ये दोनों पक्ष कुशीनगर के ही रहने वाले हैं, और वहीं से विवाद इन लोगों में था, पुराना विवाद था। ये कुशीनगर से थाना क्षेत्र पिपराइच में लगभग 50 मीटर अंदर आया था, तभी उन लोगों ने इसके ऊपर प्रहार किया। गिरफ्तारी अभी तक किसी हुई? लगातार टीमें दबिश दे रही हैं, और शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।